असम राज्य के किसानों का मुख्य कार्य धान, चाय और अरबी आदि की खेती कर जीविका चलाना है, लेकिन इसी बीच कृषक समाज पर प्राकृतिक बाढ़ जैसी आपदाओं से सरकार द्वारा भूकटाव रोकने में असफल रहने से किसानों की खेती की हजारों बीघा जमीन जियाबरोली नदी में भारी बारिश के कारण समा गई। आप देख सकते हैं कि नदी का बीच का ये हिस्सा जहां पौधे और खेती की जमीन मौजूद थी, जो बारिश के दिनों में नदी का पानी मिट्टी द्वारा काट कर ले गया। ये ठीक है, कुछ सालों से बाढ़ के असर को कम करने के लिए अनेक काम हुए हैं, फिर भी स्वतंत्रता के 7 दशकों के उपरांत भी हम इस समस्या का कोई स्थायी हल नहीं निकाल सके, जिससे बाढ़ से होने वाले नुकसान को अधिक से अधिक नियंत्रित किया जा सके। बाढ़ की रोकथाम सरकार का दायित्व है। यहाँ के निवासी भू कटाव को लेकर बहुत चिंतित हैं और कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब विकास के नाम पर खेती और घर की जमीन पर पानी अपना डेरा जमा लेगा। सोनितपुर जिले में जियाबरोली नदी के नजदीक बालीगांव, कोलाबाड़ी, सिलोनी, बोका गांव, कुल 10-12 गांव के करीब 5,000 से अधिक निवासियों का मुख्य उपार्जन खेती प्रधान है। कृषकों ने जानकारी दी है कि तेजपुर लोकसभा सांसद पल्लव लोचन दास को भू कटाव को लेकर अवगत कराया गया है, लेकिन कृषकों का समाधान कब और कैसे होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नवभारत समाचार सोनितपुर असम से जय किशोर झा। से लगभग 60-70 साल पहले यहाँ पर जो हमारा जो हिस्टोरिक जगह था उसको वो बुढ़ली नदी, जो जाबरली नदी बोलते हैं यहाँ पे, उसने उठा के यहाँ पर नामोनिशान मिटा दिया। और यहाँ के सटे हुए जितने भी इसके आसपास में जितने भी लोग हैं यहाँ पे, लगभग आपका समझिए यहाँ पे 4-5 गांव है, इसमें सब जाति यहाँ पर रहती है रहते हैं। और जो ऐसे जो अभी बाढ़ का जो समस्या जो अभी फिलहाल हो एक दो दिन में जैसे जिस तरफ से उसका रूप काल रूप लिया है, देखते हैं यहाँ हजार हजार हेक्टर जो खेती कृषि करते थे वो सारा बर्बाद हो गया। तो लोगों का ये समस्या पहले इसको बोलते हैं इसको सोयाबीन में प्रोडक्ट में काम आता है। और ये आपको ब्लड जैसे शरीर को ब्लड का ये थोड़ा ज्यादा रिफाइन करता है। कितना खेती जो है नुकसान हुआ आपकी बाढ़ में? 500 हेक्टर जैसे 500 हेक्टर। अब एक बात बताइए, ये विकास की सरकार ने ये कहा था बिल्कुल कि ये अच्छे थे कृषक से लेकर ये हर किसी के लिए अच्छे थे। अब बताइए ये जो है, एक तो कोरोना, ऊपर से बाढ़ की समस्या, भूकटाव, ये कृषक सब जाएंगे कहाँ? और ये जो हाल है, क्या कहना चाहेंगे? अभी ये सर्वानंद सोनोवाल ने कहा था कि ये खिलंजिया भूमिपुत्र के लिए जो है सब कुछ, या फिर जो यहाँ के भूमिपुत्र जो हैं, आज उनको आज ये बाढ़ की समस्या से वो बेचारे यहाँ पर टिकना उनको मुश्किल हो चुका है। बताइए इस विषय में क्या बताएंगे उनको? देखिए सरकार तो बोल रही है कि दूसरी तरफ जैसे बाढ़ से अभी सारा ये जो खेती है वो नष्ट हो गया है। इससे आगे आप जो धान लगाया हुआ था अगर इसे चलता रहा, देखिएगा अगर ये इसे चलता रहा, ये एक दिन का बात है, इसे चला तो हम लोग ये समझ रहे हैं, हम लोग का ये डर सता रहा है। देखिए यहाँ से थोड़ा आगे पहले आपको तेजपुर यूनिवर्सिटी हम लोग का, और यहाँ से पहले ये जो नदी है उसको बड़ा बरौली कहा जाता है। अगर ये जिया बरौली है